हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है उनके लिए जिन्होंने सिपाही भर्ती 2018 का एग्ज़ाम दिया था। यानी कि उनको अब एक और मौका मिलने जा रहा है, जिनको अभी मौका नहीं मिला था, जो भी स्टूडेंट पास नहीं हुए थे, बहुत ही मेरिट के बहुत ही नज़दीक आकर वो बाहर हो गए थे, तो उनको क्या है, एक दूसरा मौका मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा बताया गया है, ऐसा न्यूज़पेपर में खबर आई है कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हाँ, तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात करते हैं, और वीडियो पसंद आता जरूर से इसको लाइक करें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आज दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पे ये खबर निकली हुई है कि सिपाही भर्ती 2018 से रिलेटेड कि और भी अभ्यर्थियों को भर्ती का मौका मिलेगा। यानी कि जो भी छूट गए हैं या फिर जो भी अभी मेरिट के नज़दीक आकर के जो रह गए हैं, जिनको मौका नहीं मिला उनको मिलेगा, यानी कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं वो खबर। तो यहाँ पर पूरी एक बार पढ़ देता हूँ, कटिंग है पेपर की। तो आरक्षी नागरिक पुलिस व पीएससी के 41,502 पदों पर सीधी भर्ती 2018 के तहत अतिरिक्त अभ्यर्थियों को अभिलेख की जाँच व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए जल्द अपनी वेबसाइट पर दूसरी कट ऑफ जारी करेगा। सिपाही भर्ती 2018 में अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परिणाम के लिए सफल पाए गए अभ्यर्थियों से कुल रिक्तियों से के अनुरूप योग्यता के आधार पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें सभी श्रेणियों की कट ऑफ सूची पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी शामिल थे। प्रक्रिया पूरी करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की जरूरत पड़ी है। यानी कि आयोग ने लगभग कितने 61,000 के आसपास लोगों को पास किया था, तो उसमें से क्या है, बहुत से लोगों को दौड़ का मौका नहीं मिल पाया, मतलब कि दौड़ की तैयारी का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरे दिन ही दौड़ करा ली गई, जिससे कि ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो गए, पास बहुत ही कम दौड़ को पास कर पाए। तो इसलिए क्या है, वो 41,520 जो ये भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाई, वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ गई। तो इसलिए क्या है, अब आयोग दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने जा रहा है, जिससे कि वो अपनी भर्ती को पूरी कर सके, 41,520 पदों को भर सके। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, इसलिए आप अगर मेरिट के नज़दीक है तो अभी से आप अपनी दौड़ की प्रिपरेशन शुरू कर दें। जैसे अभी पहले देखने को मिला था कि रिजल्ट के तुरंत बाद बुला लिया गया था दौड़ के लिए, तो आप ऐसा ना करें, आपके साथ ऐसा ना हो कि आपका नंबर आए और आप दौड़ ना पाए। तो इसलिए आप अभी से दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप अपना चयन पक्का कर सकें, आप सिलेक्शन पक्का तो मतलब पक्का कर सकें, ले सकें। तो ये बहुत भी खबर है आप सभी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, जरूर इसको लाइक करें। और भी ज़्यादा इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है कि कब आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या कब आपकी दौड़ होगी, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल में। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं और अपने स्पेशल तरीके से, दैनिक जागरण पेपर के पेज नंबर 10 पर आप जा सकते हैं और वहाँ से इस खबर को पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।